कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। एक तो मैं हर कमरे में जहां पर कैमरा करती हूँ ना, ये देखें इधर तो पीछे से लाइट आती है, अजीब सी लगती है ना, और इधर तो इधर से लाइट आती है। लेकिन लाइट है भी जरूरी है कि हमारे घर में ना लाइट्स इतनी नीचे लगी हुई है कि वो ना नजर आती है, मतलब वो मेरी हाइट से थोड़ा सा ही ऊपर है, मैं आराम से उनको हाथ लगा सकती हूँ। खैर, मैं कह रही थी कि आज मुझे करनी है ड्राइंग रूम की क्लीनिंग, क्योंकि कल मुजफ्फा का बर्थडे है और सुबह जो है वो मुझे कह रहा था कि मैं अपने दोस्तों से पूछ लूंगा, अगर उनका दिल हुआ मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने का तो वो आ जाएंगे। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो मुझे ना आप टाइम से बता देना, तो मैं जो है ना थोड़ा अरेंजमेंट कर लूंगी। तो फिर कह रहा था अच्छा आज मैं पूछ के बताऊंगा। तो देखें, अभी मैंने सोचा है थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, काफी दिन हो गए। और ये आ गए हैं जनाब छोटे मेरे पीछे ही, इसको मैं उधर बिठा के आई थी क्योंकि मोबाइल यूज कर रहे हैं ना अभी, तो उसके पीछे से साउंड आता है, फिर मैं रिकॉर्डिंग करने लगती हूँ ना तो इसकी मोबाइल की आवाज आती है, जिसकी वजह से जो है ना मुझे कॉपीराइट आता है। इसलिए मैं इससे थोड़ा सा फ्री होकर ना फिर इधर आई थी कि उसके मोबाइल का साउंड ना आए। तो लेकिन जनाब को मेरे साथ रहना होता है, देख लेना अभी वो देखो आ जाएगा अभी मेरे पीछे जहां मैं जाना है ना, अभी शहजादी वहां आएगी मेरे पीछे। पहना दूं सॉक्स? उतार दी है, फ्लू हो रहा है और आज फर्स्ट डे। इधर बैठो ऊपर, फर्स्ट डे सॉक्स इसको जो है ना मैंने पहनाई है, क्योंकि जो है ना अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, फ्लो ठंडा होता है, तो मैंने कहा सॉक्स पहनो। ठीक है, एक मिनट में पहना दूं इसे। तो आदि को सॉक्स पहना दी मैंने, वो चला गया। तो अभी ना दिन में गर्मी होती है, मैंने कल फैंसी कपड़े पहने थे, लेकिन उसमें जो है ना बाद में जब मैं किचन में गई तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि डे टाइम में गर्मी होती है, रात को मौसम अच्छा होता है। लेकिन इसको जब मैं सुबह को नहलाती हूँ ना तो फिर मुझे लगता है कि इसको ठंड लगती है, क्योंकि फिर ये आराम से बैठ जाता है इकट्ठा सा होके। तो फिर मैंने इसको ना सॉक्स वगैरह पहनानी शुरू कर दिए, और इसको जो है ना फ्लू भी हो रहा था थोड़ा, जिसकी वजह से कल भी और आज भी इसका जो है ना दिल नहीं चाह रहा था पढ़ने को, क्योंकि इसकी नोज जो है वो थोड़ी वाटरी हो रही थी, उसको सांस लेने में मसला हो रहा था। तो बस ये सब तो चल रहा है मौसम के साथ। और क्या करना था, हाँ ड्राइंग रूम क्लीन करना है मैंने आज, आज काफी दिनों के बाद जो है ड्राइंग रूम क्लीन करूंगी। तो बस ये सोच रही हूँ कि अभी जो है ना 1 घंटा है तो मैं उसको जल्दी से जो है ना डस्टिंग वस्टिंग कर लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ। और एक मेरे ड्राइंग रूम की जो है ना सीनरी वो टूटी पड़ी है, उसका भी कुछ करना है, जब मुल्तान जाएंगे तो बनवाएंगे। तो बस और कुछ खास नहीं है, बाकी आपके साथ जो है ना रूटीन शेयर करेंगे। मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं ताकि जो है हम आप लोगों के साथ कनेक्ट रह सकें, और अगर हम ना स्टार्ट करें तो फिर सारा दिन गुजर जाता है, इतना छोटा दिन है पता ही नहीं चलता कि कैसे गुजर गया, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो बस जल्दी से 1 घंटा है क्लीनिंग करते हैं और आप लोगों के साथ जो है ना अपनी रूटीन शेयर करूंगी इंशाल्लाह सारे दिन की, बाकी के सारे दिन की, क्योंकि सुबह से अभी तक की तो मैं 1000 दफा शेयर कुछ कर चुकी हूँ, अभी जो है अभी से शाम तक की जो है ना, अभी स्टार्ट किया तो अभी शाम तक शेयर करेंगे। तो बस आ जाए, सबसे पहले मैं क्लीन कर लूँ, इससे पहले टाइम खत्म हो जाए, बच्चे आ जाए स्कूल से। ठीक है, यहाँ स्टोर में रखे हुए हैं मेरे क्लीनिंग टूल्स सारे, मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ क्या क्या रखा हुआ है, तो वो मैं यहाँ से उठा लूँ। तो मैं लूंगी यहाँ से क्लीनर, मैंने काफी दफा पहले जो है ना आप लोगों के साथ अपनी क्लीनिंग रूटीन भी शेयर की हुई है। एक तो हम ले लेते हैं, एक मिनट, ढूंढने में थोड़ा सा मसला हो रहा है, रश हो रहा है ना सामान का थोड़ा सा। हाँ, एक तो ये है सोफा क्लीनर, इसके साथ करेंगे क्लीनिंग, और एक ग्लास क्लीनर ले लेते हैं, बहुत ज्यादा चीजें यूज नहीं करूंगी, ये तो किचन वाला है। और ये ले लेते हैं, ये मैं उस दिन नया लेकर आई थी, ये भी किचन क्लीनर है, ग्लास क्लीनर पता नहीं कहाँ, आई थिंक वो खत्म हो गया ग्लास क्लीनर, अब याद रखना ग्रोसरी में लेकर आना है मैंने ग्लास, ये ग्लास क्लीनर ये यूज कर लेती हूँ, ये दो यूज कर लेती हूँ। और बस डस्टिंग वाला कपड़ा लेते हैं और फटाफट से डस्टिंग कर देते हैं, इन चीजों को वापस सेट कर देते हैं। इधर सारे खलारे मैंने डाल दिए हैं, अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ, मैं चीजें समेट रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काफी सारा सामान है ना और स्टोर में जगह कम होती है, यहाँ पर बंदा कैमरा वगैरह ट्रैपर वगैरह सेट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत छोटा है। एक फ्रेशनर ले लेते हैं, उस दिन मैंने आप लोगों के कहने से जो है ना फ्रेशनर उधर से उठा दिए थे, कोई अच्छा सा ले लेते हैं, क्योंकि क्लीनर की स्मेल बड़ी बुरी लगती है अगर वो रह जाए थोड़ी देर में, 2-4 घंटों में, फिर बच्चों के कारी साहब ने भी आना होता है। आज मैं काफी दिनों के बाद क्लीन करूंगी, बस ये उठा लेती हूँ मैं 3 चीजें। डस्टिंग वाला कपड़ा जो है वो किचन के ड्रॉर में है, वहां से लेते हैं, अल्लाह इससे पहले के गिर जाए चीजें। चलते हैं, हादी साहब उधर बैठे हैं, उनके मोबाइल की आवाज आएगी, ठीक है इसलिए मैं यहाँ पर बंद कर रही हूँ।
किया था ना उसमें सोप का काम किया, उसको मैंने लगा दिया और अभी जो है ना उसको मैंने फिरा दिया उससे। और अब ये जो है ना मैं डस्टिंग वाला कपड़ा इसको मैं अच्छे से वॉश करके निचोड़ के लाई हूँ। अब इसके साथ जो है ना सारे सोफे क्लीन कर दूंगी, केमिकल जो है ना क्लीन हो जाएगा और सोफे जो है वो चमक जाएंगे। ठीक है तो आ जाए फिर करते हैं। ये देखें अभी जो है ना मैंने वो लगाया था ना, अभी पता नहीं आपको कैमरे में सही से नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये इस जगह में और इस जगह में ना बहुत फ़र्क है। ये देखें ये साफ़ हो रहा है, इधर शाइन आ रही है ना और इधर नहीं है। ये अभी जो है ना केमिकल लगा हुआ, मैं गीले कपड़े से उसको साफ़ कर रही हूँ ऊपर से, जहाँ जहाँ से साफ करे जा रही हूँ वहाँ वहाँ से जो है ना वो इसमें शाइन आ रही है। ये देखिए यहाँ से आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, वो एरिया क्लीन हो गया, उसमें कितनी शाइन आ गई है, कितना चमक रहा है। और ये जो है ये अभी थोड़ा सा डार्क है। अभी लगी है भूख तो मैं ये खाऊंगी। अब मुझे क्लीनिंग करके जो ना भूख लगी, मेरी मशीन का अभी कितना रह गया है टाइम, अभी 36 मिनट रहते हैं। तो यहाँ पर रेसिपीज़ याद हो रही हैं, खैर मैं ये खाऊंगी। देख लेते हैं मार्केट से अगर रोल की पट्टियाँ मिल गई तो वो ले लेते हैं। तो बाकी रोल की पट्टियाँ भी डाल दें इसमें। कपड़े हमने दे दिए फाइनली टेलर को, शुक्र है। और बस थोड़े से सामान लिए, अभी हम जा रहे हैं घर वापस। 4 बजने वाले हैं, जाके हमने पीनी है चाय। ये देखना ये कैसे गंजा कर दिया दरख्त, इसके ऊपर एक भी पत्ता नहीं है बेचारे के ऊपर, बिल्कुल ही गंजा कर दिया। अच्छी बात है, चिड़िया घोंसला बनाएगी। अच्छी बात कहाँ से है, वो सारे तो ठीक हैं, इसका क्या कसूर था, इसको गंजा कर दिया सब पकड़ के। देखिए पूरा पार्क खाली है इस टाइम, कोई भी नहीं है पार्क में, सारा पार्क खाली पड़ा हुआ है। अभी गर्मी होती है, अभी नहीं आते बच्चे, थोड़ी सर्दी होगी ना फिर आएंगे बच्चे दोपहर में। तो बस अब फटाफट स्पीडो स्पीड जा रहे हैं अपने घर में। मैं बना रही हूँ यहाँ पर पकौड़े, मार्केट से आने के बाद जो है ना मेरा बहुत दिल था कि मैं कुछ खाऊं, भूख लगी थी। वहाँ पर मैं ढूंढ रही थी कि मुझे फ्रोज़न समोसाज मिल जाते लेकिन अल्लाह के हुक्म से नहीं मिले। एक हाथ से डाल रही हूँ मैं, तो साथ में रख दिया चाय।